हेलो दोस्तों, मैं हूँ शकुंतला, कुक टेस्टी विद शकुंतला के चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज हम बनाएंगे उड़द दाल की मंगौड़े, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी चटपटा रहेगा दोस्तों, और 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम बड़े के लिए सबसे पहले चटनी बना लेते हैं टमाटर की। ये भी 15 से 20 सेकंड लगेंगे दोस्तों बनाने में, इसको बहुत ही जल्दी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो दो तीन हमने हरी मिर्च डाल दिए हैं, 3-4 लहसुन की कलियाँ और 2 टमाटर, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और इसको ढक्कन लगाकर हम पीस लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है टमाटर की। तो दोस्तों ये चटनी आप चाहे किसी भी भजिया के साथ खाइए, मंगौड़ी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। तो आप ये एक बार ये चटनी ज़रूर बनाइएगा बड़े के साथ, भजिया के साथ खाने के लिए। तो दोस्तों उड़द दाल को हमने 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दिए थे, और 2-3 पानी से हमने धुल लिया है। तो अब क्या करेंगे, जार लेंगे दोस्तों, जार में हम डाल देंगे ये उड़द दाल। एक बार में जितना आ जाएगा दोस्तों डालकर हम पीस लेंगे। तो दोस्तों उड़द दाल की बड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब इसमें डालेंगे 4-5 हरी मिर्च और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, और थोड़ा सा डाल देंगे दोस्तों इसमें खड़ी धनिया। खड़ी धनिया आप ज़रूर डालिएगा दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लगती है, बड़े बहुत ही टेस्टी लगता है। तो दोस्तों हमने पीस लिया है, थोड़ा सा पानी डालकर इसको अब निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। तो दोस्तों ये ज़्यादा चिपके तो आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, ज़्यादा महीन नहीं कीजिएगा, दरदरा रखिएगा। तो हमने अब निकाल लिया है पीस के एक बर्तन में। तो अब इसमें हम दोस्तों मिलाएंगे, इसको निकालने के बाद कुछ चीज़ें डालेंगे, जैसे हमने थोड़ा सा उड़द की दाल बचा लिए थे, इसको डाल देते हैं। ये देखने में बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों, जब बड़े बनाओ तो दाना दाना सा दिखता है हमारा बड़ा। तो दोस्तों एक हम बारीक काट कर प्याज डाल दिए हैं नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा डाल देते हैं ऊपर से खड़ी धनिया। तो दोस्तों खड़ी धनिया तो हमने पहले भी डालकर पीस लिया था, उससे भी टेस्ट आ जाएगा, पर खड़ी धनिया और डाल दिए हैं ताकि खाते हैं जब दांतों के नीचे आती है खड़ी धनिया या दाल, तो बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों, अलग ही स्वाद आता है। तो सारी चीज़ें डालकर हम मिला लेते हैं इसको अच्छी तरह से। तो दोस्तों हमने ये अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिला लिए हैं, आप देख सकते हो ज़्यादा पतला भी नहीं हुआ। उड़द दाल में नमक डाल देते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा पतला हो जाता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि पानी कम ही डालिएगा। तो दोस्तों तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम बड़े बना लेते हैं एक बार में। दोस्तों जितना तेल में आ जाएगा एक एक करके हम बारे डाल देते हैं। दोस्तों इसको क्रिस्पी होने तक हम सेकेंगे। दोस्तों इस तरीके से आप बड़े बनाइएगा तो बहुत ही टेस्टी लगता है, और जल्दी बनकर तैयार हो जाता है चटनी के साथ, जल्दी हो सुबह नाश्ते में। तो ये आप बना लीजिए, शाम को उड़द दाल फुला दीजिए, भिगो दीजिए, और सुबह उठकर 5 मिनट में ये चटनी और बड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों हम इसको पलट देते हैं, एक साइड सेक चुका है हल्का हल्का, तो दोनों साइड अलट पलट कर अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे दोस्तों इसको। तो दोस्तों मूंग दाल की मंगौड़ी अच्छी लगती है, ये भी दाल बहुत ही अच्छी लगती है, ये भी बड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह दोस्तों हम सारी बड़े बना लेंगे। तो दोस्तों अब हम निकालते हैं प्लेट में, हमने टमाटर जो चटनी बनाई थी वो भी डाला है, और टमाटर सॉस भी डाला है, तो आप जिसके साथ खाना चाहते हो खा सकते हो, दोनों के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, खासकर टमाटर की चटनी के साथ ये बड़े। तो दोस्तों ये हमारे उड़द दाल के बड़े बनकर तैयार है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही क्रिस्पी स्पाइसी है दोस्तों। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से उड़द दाल की बड़ा बनाने का, और मेरी वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक